सेवा दे पुंज ते गुरमुखी दे दानी ते सिख कौम दे दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव जी का प्रकाश पुरब चलदिया जिथे कि सवेर तो ही श्रद्धालुओं के वलों सचखंड श्री दरबार साहिब दे विच नतमस्तक होया गया। उत्थे ही श्रद्धालुओं का कहना है कि दूजी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी का प्रकाश पुरब सचखंड श्री दरबार साहिब जिथे सवेर तो वह नतमस्तक होण पहुँच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सवेर तो लैके शाम तक उन्होंने वलों इलाही बाणी का कीर्तन सरवण किया गया है। तो कहा गया कि सानू गुरु जी दे दिखाए हुए मार्ग ते चलन की जरूरत है। तो नाल दे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अलौकिक आतिशबाजी भी करवाई गई जो कि अत मनमोहक सी। उत्थे नाल ही कहा गया है कि उन्होंने इस तरह का नज़ारा जिंदगी दे विच कदी नहीं वेख्या। उत्थे ही अगे बोलते हुए श्रद्धालुओं के वलों कहा गया कि गुरपुरब के मौके पर सचखंड श्री दरबार साहिब श्रद्धालुओं की कमी देखने तो जरूर मिली है, लेकिन उन्होंने वालों एक गुरु चरणों के अरदास की जाती है कि देश में मुहब्बत एक बार फिर तो कायम रखी जाए। होर इस मौके उत्ते अगे बोलते हुए उन्होंने वालों की क्या जाता है, तुसी आप सुनो। मेरा नाम जी वरिंदर सिंह जी। मैं पहले तो सारी संस्थान गुरु के चार सात संगत की चरणा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह प्रवान करता। मेरा नाम वरिंदर सिंह, मैं लोकल अमृतसर तो ही हाँ जी। इतने जी गुरु महाराज की नगरी के गुरु रामदास की नगरी में संगत आ रही, गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश पुरब हैगा वा। संगत आ रही बड़ी धूमधाम महाराज का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा, बड़े उत्साह संगत नज़ारे आनंद लै रही। तो इन्नी एक बेनती प्रवान करता मैं संगत की, बहुत वधिया जी। इस तो बेहतर तो होर कुछ हैगा ही नहीं है, जो कुछ अपने गुरु रामदास की नगरी से आह चीज़ा वेखन मिलती हैं। इस तो अलावा होर कि जग च आ देखने कुछ हैगा ही नहीं है जी। बिल्कुल महाराज चढ़ती कला बख्शन कौम का सरबत का भला हो। हाँ जी, जेडे अपने नजायज सिंह नजायज फट के जेलों जन्द दिए जा रहे उन्होंने चढ़ती कला रखे। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैं तरविंदर सिंह, मैं पिंड वरियाम नंगा जिला अमृतसर। उतों देखो जोड़े भी गुरपुरब गुरु गुरद्वार आते हैं वो एक परंपरा है दरबार साहब के आतिशबाजी भी हर गुरपुरब के उत्ते हर नाल दीपमाला भी की जाती है। तो जो पुरानी परंपरा है मैं उस कोई किंतु परंतु नहीं कहना चाहता जी। दीपमाला देख के बहुत मन खुश होया जी। गुरु साहब का प्रकाश पुरब आ गुरु अंगद साहब जी का, तो संगत बहुत धूमधाम मना रही ने। एक मुकदस स्थान है सिख धर्म का और इस तो उत्ते तो मेरे ख्याल सिख धर्म के कोई स्थान नहीं है। तो मन सरबत के भले लिए सिख दे तो मंगना ही यही है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। जो सरबत का भला मंगते हैं तो असं वो अपने आप ही शमूलीत साडा अपने आप ही हो जाता जी। सानू तो गुरु साहब ने जिहड़े दित्ते उपदेश आ उन्हां दे उत्ते चल के अपने जीवन में गुजारना चाहिए है। गुरु साहब के उपदेशों मानना ही सब तो वड्डी गुरु की सेवा है। इस तो व्डा तो कुछ भी नहीं। जेकर अं उन्हों के उपदेशों मन के नहीं वसाते उन्हें अमल नहीं करते। असं पानीपत तो आए हैं जी, गुलशन कुमार। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आया जी। गुरु की नगरी आ के आशीर्वाद मिले गुरु जी का, बहुत आनंद आया। आतिशबाजी जी का अंदर दर्शन बड़े अच्छे हुए ने। बहुत संगत का सब का बहुत वधिया, इतने का बहुत मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है इतने की। बस बेनती की है जी, सारा साडा देश जरा चढ़दिया कलावें च रहे, साडे देश बहुत तरक्की हो, साडा पंजाबियों का होर माण वधे। अच्छा जी, वाहेगुरू जी। अमृतसर तो जसकरण सिंह की रिपोर्ट, द पब्लिक टाइम्स।